वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं हम सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। लास्ट क्लास में सीखा था हमने कि कलर ब्लॉक कैसे क्रिएट करने हैं, तो आज की क्लास में हम कलर ब्लॉक्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कलर ब्लॉक क्रिएट करना सीखे थे, तो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से अलग कोई जिगजैग में या फिर कोई अलग ट्राइंगल में, राउंड शेप में, अगर ऐसे कोई ब्लॉक्स क्रिएट करने हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे को लेयर क्रिएट कर लेते हैं। अभी जो भी हमें क्रिएट करना है कलर ब्लॉक, हम गूगल से सिमिलर क्रिएट करने वाले हैं, तो हम गूगल में चेक कर लेते हैं। तो हम कलर ब्लॉक्स में चले जाते हैं। तो ये सारे कलर ब्लॉक्स हैं, इन्हीं में से हम जो है कोई कुछ कलर ब्लॉक्स जो है यहाँ पे को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला हम देखेंगे, ब्लू है, यहाँ पे लाइट ब्लू है और यहाँ पे ग्रीन है। इसे हम कर लेते हैं कॉपी इमेज। फोटोशॉप में जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, मर्ज करेंगे, मर्ज करके इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं। ये हमने इसके साइज को बड़ा किया, प्लेस करेंगे। ऐसा ही हम एक क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे को कलर ब्लॉक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी इनकी ड्रेस है, जो कलर्स है, वो कलर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक लेयर क्रिएट करी, डार्क ब्लू जो है वो इसमें ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो है हमारा वो डार्क ब्लू रख लेंगे। ओके, पेन बकेट टूल की हेल्प से कलर फिल कर लिया डार्क ब्लू। तो अभी इसमें आप ग्रीन और ब्लू हमें क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे को ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करेंगे, इसी वाले में हम रेक्टेंगल टूल की ही हेल्प से यहाँ पे को ग्रीन ले लेते हैं। ये हमने ग्रीन ले लिया है। इस वाले पे हमें मूव करके इसे और ऊपर करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, या फिर नीचे ही चाहिए हमें तो हम नीचे ही इसे रख लेंगे, मीन्स ग्रीन कलर अगर कम चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे को जो बॉक्स है कलरफुल, इस पर क्लिक किया तो कलर पिकर का एक हमारे पास पॉपअप ओपन हो गया, तो हमने यहाँ से ग्रीन कलर चूज किया। ओके, यहाँ पे ग्रीन कलर हमारा फिल हो गया। अभी हमें ये क्या है, ब्लू चाहिए, तो इसके लिए एक लेयर यहाँ पे से क्रिएट करेंगे। तो लाइट ब्लू हमें चाहिए, तो अब ये जो शेप है ये हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, यहाँ पर को जो लेसो टूल है, लेसो टूल की हेल्प से। ओके, पॉलीगॉन एंड लेसो टूल, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे को क्रिएट करेंगे एक हमारा ट्राइंगल। तो यहाँ से हम हमारा ट्राइंगल जो है वो क्रिएट करेंगे, जहाँ पे ब्लू और ग्रीन हमारा मिक्स है, यहाँ पर से हमारा ट्राइंगल क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ पर तक किया, ये हमने किया यहाँ पर तक, यहाँ तक कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे, जब हम अपने लेसो टूल का जो साइन है, जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट मिलता है, तो जो लेसो टूल का साइन है उसके नीचे एक डॉट क्रिएट हो रहा है ना, तो वैसे अगर हम इसे थोड़ा सा दूर ले जाते हैं तो वो जो डॉट है वो राउंड शेप हट गया है। अभी हम इसके पास लेके जाएंगे तो वो राउंड शेप आ गया है, तो यहीं पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे को हमने जो न्यू लेयर क्रिएट करी, इस पे हमने इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेसो टूल की हेल्प से। अब इस पे हमें क्या करना है, कलर फिल। तो इस पे कलर कहाँ से फिल करेंगे, जब हम रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे थे तो हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ रहा था कलर फिल करने का। ओके, बैकग्राउंड पे कलर फिल करना था, तो यहाँ पर से हम बैकग्राउंड कलर फिल कर रहे थे। तो अभी यहाँ हम कहाँ से फिल करेंगे, हमारे माउस का जो राइट बटन है वो हम इस जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर हम अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आता है डीसिलेक्ट का, इसे डीसिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर को एक ऑप्शन आता है फिल का, ठीक है, फिल पे हमें क्लिक करना है। फिल पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुलो ओपन हो जाएगा यहाँ पे फिल का। तो यूज में हम देखेंगे, एरो पे हमने क्लिक किया, कई सारी चीजें यहाँ पे को, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे को है, पैटर्न का है, हिस्ट्री का है, ब्लैक 50%, ग्रे, व्हाइट, बहुत सारे ऑप्शंस है, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर हमें क्या चाहिए, कलर। कलर पे क्लिक करेंगे, कलर का पॉपअप यहाँ पे को ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मूव करेंगे, इसे थोड़ा सा मूव कर लेंगे, ठीक है। तो कलर पे जाएंगे, कलर पे हम गए, तो यहाँ पर से ये वाला ब्लू कलर हमने चूज कर लिया। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वापस से ओके, तो ये ब्लू कलर हमारा फिल हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, डी सिलेक्ट करना है, अभी जिसे डी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे कलर फिल कर लिया, आप करेंगे कंट्रोल डी, तो वो लेयर जो है वो हमने डी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इस वाली लेयर को हम मूव कर लेंगे, यहाँ पे को लेके आ गए। तो जैसा हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जैसा यहाँ पे हमें शो रहा है, ऊपर डार्क ब्लू, नीचे ग्रीन है, फिर बीच में यहाँ पे ट्रायंगल में पिंक है, तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पे को क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे को डार्क ब्लू है, नीचे ग्रीन है और यहाँ पे हमारा लाइट ब्लू है, ठीक है। इसी इमेज को हम थोड़ा साइज अगर छोटा करते हैं तो छोटा करके देख लेते हैं, शिफ्ट की के साथ साइज को छोटा किया,
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो लेसो टूल की हेल्प से अगर हमें कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेप में अगर कोई नेक्स्ट अगर अलग शेप लेके आना है तो वो हम यहाँ पे को लेके आ सकते हैं और न्यू कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थीके? जैसे अभी हमने हॉरिजॉन्टल, इसे पहले वाली क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल भी देखा था, वर्टिकल भी देखा था, बट हमने लेसो टूल का यूज नहीं किया था। ऐसे हमने ट्राइंगल क्रिएट नहीं किया था या अलग कोई शेप क्रिएट करना है तो वो शेप क्रिएट नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक शेप क्रिएट कर लिया लेसो टूल की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे को जैसे ही यहाँ पे को हमें ड्रेस दिख रही है सेम वैसे ही हमने एक और यहाँ पे को क्रिएट कर लिया है। ओके, तो अभी क्या करना है, ऐसे ही हमें और क्रिएट करना है तो वो भी हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर से हमें कोई दूसरी इमेज अगर हम यहाँ से देखते हैं, कोई ऐसी इमेज जिसमें हम लेसो टूल का यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी इमेजेस हैं, तो इन्हीं में से जो हम इमेज यूज करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बॉक्स वाली ड्रेस है, अगर हमें बॉक्स वाली ड्रेस कोई क्रिएट करनी है तो हम बॉक्स में ले सकते हैं। अगर हमें बॉक्स में नहीं चाहिए तो फिर हम दूसरी कोई नॉर्मल ड्रेस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अभी जैसे ये वाली अगर हमें करनी है तो करेंगे कॉपी इमेज, फोटोशॉप में हम आएंगे कंट्रोल वी कंट्रोल टी किया सिलेक्ट, मर्ज करके हम जो इसकी वर्थ से बढ़ा देंगे, ये हमने वर्थ इसकी बढ़ाई, प्लेस किया, मूव टूल है मूव कर लिया। ठीक है, बैक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हमें चाहिए तो बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर को हम कर लेंगे ब्लैक कलर फिल। ओके, तो जो भी ब्लैक कलर ये है ये वाला हम यहाँ पे को कलर फिल कर लेंगे। ओके करेंगे, पेंट बकेट टूल की हेल्प से कलर यहाँ पे को फिल कर लिया, न्यू लेयर भी क्रिएट कर लिया। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद क्या करना है, ब्लैक कलर तो कर लिया है, इसी पे हमें ये वाला कलर यूज करना है। तो इसे कैसे करेंगे, अभी हम यहाँ पे को रेक्टेंगल यहाँ पे को हाफ रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर से जो ब्लैक स्पेस कम है यहाँ पर से ज्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से हम लेसो टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेसो टूल का यूज करेंगे, ये हमने ऐसे किया, थोड़ा सा झुका हुआ सा लेंगे और यहाँ पर से इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेंगे, आउट ऑफ फ्रेम ही इसको हम लेंगे। ठीक है, ये हमने क्लिक किया, इस वाले पर कलर फिल करना है, इसी पर राइट क्लिक करेंगे, फिल पर जाएंगे, कलर पर गए, कैंसिल, इसको मूव कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर से इस वाले कलर को चूज किया, ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमारा कलर फिल हो गया। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे भी हम क्रिएट कर लेंगे, मूव टूल जाएंगे, इस वाली इमेज को कर लेंगे मूव। ठीक है, ये हमने डी सिलेक्ट अभी नहीं किया है तो इसे हमें क्या करना है, डी सिलेक्ट करना है कंट्रोल डी से, उसके बाद हम इस इमेज को मूव कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही हमें एक और यहाँ पे को भी क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे को एक लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेयर नहीं क्रिएट करेंगे तो जो लेयर सिलेक्ट करिए उसी पे ये लेसो टूल जो है वर्क करेगा। मींस जैसे अगर हम यहाँ पे को ये लेयर सिलेक्ट नहीं क्रिएट नहीं करते हैं और यहाँ पे लेसो टूल की हेल्प से कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं तो वो इस वाले लेयर में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेसो टूल सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे को क्रिएट करना है, मूव करेंगे, जितना यहाँ पे क्रिएट किया है सेम अगर उतना ही करना है तो यहाँ पे को क्रिएट कर देंगे हम। ठीक है, तो सेकेंड लेयर हमने सिलेक्ट करी है, लेसो टूल हमने सिलेक्ट करा है, इसी के साथ पे हमें यहाँ पे को क्रिएट करना है, तो ये करेंगे, तो जैसे भी हमें क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे को क्रिएट कर लेंगे। ये हमें यहाँ से कम लेना है तो यहाँ से कम लेंगे, यहाँ पे हमने इसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिला लिया। ठीक है, इस पर भी सेम वही कलर फिल करना है तो फिल पे जाएंगे, इसको यहाँ यू कर लेंगे और कलर, यहाँ पे से कलर चूज किया, ओके ओके, तो यहाँ पे को हमने ये वाला भी क्रिएट कर लिया कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल के संग माइनस, तो जैसे यहाँ पे को ब्लैक ड्रेस है और ब्लैक में यहाँ पे को क्या दिख रहा है हमारे थोड़ा अलग कलर है, तो ठीक है, तो यही सेम कलर हमने यहाँ पे को भी ले लिया है। अभी इसी वाले को कंट्रोल टी करते हैं, थोड़ा सा मूव करना है तो मूव कर लेंगे। ठीक है, अगर इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल टी करके इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है तो वो भी हम यहाँ पे को कर लेंगे और इसको मूव कर लेंगे, प्लेस किया। तो सेम जैसे अगर हमें लेसो टूल का यूज करके इसे क्रिएट करना है तो हम लेसो टूल का यूज करके भी कोई इमेज यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कोई कलर ब्लॉक हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई दूसरा हमें चूज करना है तो कोई दूसरा भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे इस वाले पे भी ट्राइंगल यहाँ पे को क्रिएट है, रेड बैकग्राउंड लेंगे और ब्लैक बैकग्राउंड, उसमें रेड कलर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे को ट्राइंगल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सेम वैसे हमने इस पे भी देखा है, और भी हमारी जो ड्रेसेस है हम सेम वैसे ही यूज करके लेसो टूल का यूज करके यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें इस वाले को अगर हम करते हैं कॉपी इमेज, या फिर और भी कोई हम दूसरी अगर ड्रेसेस देखते हैं तो वो भी हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
कोई और अगर हम इमेज देख लेते हैं यहाँ पे, को कोई दूसरी अगर हमें इमेज यहाँ पे मिल जाती है, तो जो भी हम अगर प्लेन ड्रेस लेते हैं मीन्स जैसे कलर ब्लॉक में जो केवल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, तो वो हम रेक्टेंगल टूल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमें किसी में जो शेप से अगर थोड़ा सा अलग मिल जाते हैं, तो हम लेसो टूल का यूज़ कर सकते हैं और लेसो टूल की हेल्प से हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो हमने इमेज कॉपी कर लिया, वापस से हम गए फोटोशॉप में, कंट्रोल टी मर्ज करके इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद व्हाइट बैकग्राउंड या फिर इस कलर का भी हम बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हमें बैकग्राउंड चूज करना है। तो ये हमने बैकग्राउंड चूज कर लिया, ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद करेंगे यहाँ पे पेंट बकेट टूल की हेल्प से कलर फिल। ये हमने कलर फिल कर लिया है। ठीक है, कलर फिल करने के बाद यहाँ पे को व्हाइट कलर चाहिए है इसके ऊपर, तो हम यहाँ पे रहेंगे, इसमें व्हाइट हमें चाहिए साइड से। ठीक है, ऐसे करके, तो ऐसे करके हमें यहाँ पे को व्हाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेसो टूल का यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हम यहाँ पे को लेके आ जाएंगे। उसके बाद आउट ऑफ फ्रेम ही हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब भी हम लेसो टूल का यूज करेंगे हमें आउट ऑफ फ्रेम सिलेक्ट करना है। तो ये हमने आउट ऑफ फ्रेम सिलेक्ट किया, इसी पे हमें करना है राइट क्लिक, फिल पे जाना है, इस पे हमें व्हाइट कलर फिल करना है। तो यहाँ पे हमने कलर पे चूज किया व्हाइट, व्हाइट ओके ओके, तो यहाँ पे व्हाइट कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट कलर फिल हो गया है। नेक्स्ट कंट्रोल डी करना है लेयर को डिसलेक्ट। उसके बाद एक और यहाँ पे लेयर क्रिएट करनी है। लेयर क्रिएट करने के बाद इस लेयर पे हमें येलो क्रिएट करना है। तो येलो हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, वहीं पर को जो व्हाइट है उसी पे हमने यहाँ पे को येलो क्रिएट करना है। तो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया और इतने पे हमने येलो क्रिएट कर लिया। ठीक है, इतने पे हम येलो क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने आउट ऑफ फ्रेम ही चूज करना है, आउट ऑफ फ्रेम हमने सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया हमारे माउस का राइट बटन, उस पर फिल पे जाएंगे। फिल पे जाने के बाद कलर पे हमें जाना है, कलर पे गए तो जो कलर यहाँ पे है येलो वही वाला सेम यहाँ पे चाहिए हमको, तो येलो पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके, तो ये येलो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा, कंट्रोल डी। अभी क्या करना है, इस वाली इमेज को हमने देख लिया है, अभी इस वाली इमेज की आइस को करना है क्लोज। तो यहाँ पे येलो हमें थोड़ा सा जो है वो दिख रहा है यहाँ पे को व्हाइट के वहां पे, तो क्या करना है, येलो वाली लेयर को नीचे रखना है, व्हाइट वाली लेयर को ऊपर रखना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी आइज ओपन। तो जैसे ये है वैसे ही सेम हमें पीछे दिख रहे हैं, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल टी, हमें इमेज के साइज को थोड़ा छोटा करना है, कंट्रोल टी मर्ज और साइज छोटा किया, ओके। तो यहाँ पे मूव करके लेके आए, प्लेस किया। तो जैसे हमने यहाँ पे को क्रिएट किया वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमने, जैसे इस ड्रेस में वैसे ही यहाँ पे को भी हमने क्रिएट कर लिया। इसके साइज को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ पर से ऐसे ही रखना है, इस वाले को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, तो इस वाले को भी बढ़ा सकते हैं, ये हमने बढ़ा लिया। ठीक है, तो ऐसे ही इसको मूव करना है तो थोड़ा सा मूव कर लेंगे, प्लेस कर लेंगे। हमने क्रिएट किया जैसा सेम हमने यहाँ पे को देखा है, व्हाइट येलो और हमारा पिंक लाइट पर्पल सा कलर है, तो सेम हमने यहाँ पे को क्रिएट कर लिया। ऐसे ही हमें कोई और क्रिएट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं लेसर टूल के यूज करके, ओके। तो अगर हमें, जैसे हमने इसकी आइस क्लोज करी, सेम हमें यही कलर चाहिए था, हमने गूगल से कॉपी करी है इमेज और हमने कलर पिकर की हेल्प से यहाँ पे को एक कलर क्रिएट कर लिया है, ओके। तो इसमें क्या करना है, अगर हमें कोई दूसरा क्रिएट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे इसको करेंगे छोटा, लेसो टूल हमने सिलेक्ट किया हुआ है, अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे हम आउट ऑफ फ्रेम सिलेक्ट करने वाले हैं। आउट ऑफ फ्रेम ही हमें हमेशा सिलेक्ट करना है, कोई भी हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमेशा आउट ऑफ फ्रेम सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हम आउट ऑफ फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं, जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को मिला देते हैं, उसके बाद जो हमारा लेसो टूल है उसके नीचे एक डॉट बनवाता है, तो वहां पर हमने क्लिक कर लिया, अभी सिलेक्ट हो गया एरिया, तो इसमें करना है राइट क्लिक, फिल पे जाना है, फिल पे जाने के बाद यूज में जाना है, कलर पे जाना है, कलर पे जो भी हम यहाँ से कलर चूज करना चाहते हैं, जैसे रेड, तो रेड गए, ओके किया, ओके करेंगे यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा, रेड हो गया, कंट्रोल डी करेंगे, डी सिलेक्ट जाएगा। हमने कोई यहाँ पे को लेयर क्रिएट नहीं करी थी, तो हम देखेंगे बैकग्राउंड वाली लेयर में ही हमारा जो है लेसो टूल यूज हो गया है। तो अगर कभी भी हम यहाँ पे को कुछ क्रिएट करते हैं, लेसो टूल का यूज करते हैं, तो हमें एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, ओके। तो अब हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इसी वाले पे हमें कोई कलर देना है, तो इसी वाले पे हम कलर दे सकते हैं, जैसे ब्लू, ओके।
उसके बाद पेंट बकेट टूल की हेल्प से कलर फिल कर लिया। तो रेड और ब्लू अगर हमें ऐसे करना है, अभी हमारा ब्लू हो रहा है शो, लेकिन रेड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रेड वाली लेयर नीचे है, रेड वाली को ऊपर कर देंगे तो हमारी जो रेड वाली लेयर है वो यहाँ पे को शो होने लगेगी। ठीक है, तो जैसे ब्लू वाली जो है, या फिर हम यहीं पर को क्या कर सकते हैं, इस वाली पे हम थोड़ा सा वापस जाएंगे, इस वाली पे क्या करेंगे, पहले एक लेयर क्रिएट करेंगे, ये हमने लेयर क्रिएट करी, उसके बाद हम लेसो टूल का यूज करेंगे। हमने लेसो टूल का यूज किया, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग अपने स्टार्ट पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जब मिलाया तो वहाँ पे को एक राउंड शेप आ गया था। ठीक है, इस वाले पे कलर फिल करना है तो हम कलर फिल कर लेंगे, कलर पे गए, रेड कलर, ओके ओके करेंगे, रेड कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे हमें ब्लू चाहिए तो एक और लेयर हमने क्रिएट करी, इस वाले पे हमने ब्लू कलर फिल कर लिया है, ओके करेंगे, पेंट बकेट टूल की हेल्प से ब्लू कलर फिल कर लेंगे, कंट्रोल डी, ब्लू कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा रेड नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमारी ब्लू वाली लेयर ऊपर है, तो हमें क्या करना है, रेड वाली लेयर को ऊपर करना है, तो ये रेड और ब्लू दोनों हमारे यहाँ पे को शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमें लेसो टूल का यूज करके कोई दूसरे क्रिएट करना है तो वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कलर ब्लॉक कैसे क्रिएट करना है लेसो टूल की हेल्प से। थैंक यू।